दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे डीसी मोटर जनरेटर। बहुत ही पावरफुल आप लोगों को डीसी मोटर जनरेटर बनाकर दिखाएंगे किस तरीके से वर्क करता है। इसमें ड्रोन मोटर को हम चला के दिखाएंगे हाई स्पीड के साथ आप लोगों को। पहले हम आप लोगों को एक नॉर्मल बैटरी से चला के दिखाएंगे, उसके बाद 12 वोल्ट बैटरी से चला के दिखाएंगे किस तरीके से। पहले आप हमारी प्रोसेस को देखना है किस तरीके से दो डीसी मोटर को कनेक्ट करना है। एक छोटे साइज का लेना है डीसी मोटर, एक बड़े साइज का लेना है। कुछ इस तरीके से उनको अटैच कर लेना है किसी या उड का लकड़ी का हो टुकड़ा उस पर, या फिर दाब दफ्ती या किसी भी तरीके से इस तरीके से रोक सकते हैं। इनकी शाफ्ट में हमने पेन में जो रिफिल आती है उसको यूज किया इस तरीके से। अब यहाँ पर हम कनेक्शन इनकी कर लेंगे। एक जो बड़ा वाला डीसी मोटर यहाँ पर लगा हुआ है इसको हम बैटरी से कनेक्टेड करेंगे, दूसरे वाले को एज अ डायनमो के तरीके से उपयोग करेंगे। छोटा सा जो डीसी मोटर दिया गया है उसी से हमने कनेक्ट किया है ड्रोन मोटर को, और हमारे पास है ग्लू गन, इसकी सहायता से दोनों मोटर्स को हम फिक्स कर रहे हैं। आसानी से हमने इस तरीके से कुछ फिक्स कर दिया है। ड्रोन मोटर को भी मैंने कनेक्ट कर दिया है छोटे वाले से, तो इस तरीके से मेरा कनेक्शन हो गया है फाइनली कंप्लीट। कुछ ऐसा इसका दिखाई पड़ता है लुक। तो यहाँ पर मैंने बड़े वाले डीसी मोटर को कनेक्ट करके रखा है। अभी 6 वोल्ट का हमारे पास है चार्जर, उसे डायरेक्ट हम इसे चलाएंगे। हमने कनेक्शन कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम कनेक्ट करेंगे 12 वोल्ट बैटरी के साथ। इसकी स्पीड को देखेंगे, बहुत ही अच्छी स्पीड देता है, बहुत ही तेज चलेगा। अभी आप लोगों को कनेक्ट करा रहे हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। तो पहले आप नॉर्मल देख लीजिए, 6 वोल्ट चार्जर के साथ कुछ इस तरीके से ये स्पीड देता है। अब हम कनेक्ट करेंगे 12 वोल्ट की हमारे पास कॉर्डलेस ड्रिल मशीन की बैटरी है, ये 12 वोल्ट की, इससे हमने कनेक्ट किया। अब इसकी स्पीड को चेक करिएगा, देखिएगा कैसा है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर कर दीजिए।